पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ग्रेजुएशन दे एडिशनली सब तो वध फ्लैक्सीबल यूनिवर्सिटी है क्योंकि ये तुसी पंजाब दी किसी भी यूनिवर्सिटी तो बेशक प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्यों ना होवे उस तो ग्रेजुएशन की है तो तुहानू एडिशनल पेपर देने की आग्ञा दिंदी है लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की कोई प्रीख्या एडिशनल नहीं जाती जेकर अजिहा पेपर देना चाहते हो जिसका प्रैक्टिकल होएगा तो वह एडिशनल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो नहीं दे सकते। पिछली वीडियो जिसका लिंक नीचे दिता हुआ है उस डिटेल जानकारी जी बी ए एडिशनल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो देनी है फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जड़े ने स्टेप्स ने वो तुसी उत्थे देख सकते हो फीस वगैरह देख सकते हो लेकिन मेन जो फॉर्म किस तरह फिल करना है उसके लिए लोड़ीदियाँ जानकारियाँ कि चाहिए हैं वो इतने डिस्कस करांगे। सब तो पहला तुसी PUP पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला PUPexamination.ac.in ते क्लिक किया तो ये वैबसाइट बड़े सोहने रंगा विच खुल जाएगी। लास्ट पे जाना है लॉग इन न्यू रजिस्ट्रेशन December 2023 एडिशनल सब्जेक्ट फॉर BA एडिशनल प्रोवाइड ऑल सेमेस्टर दिसंबर एंड मई। इट मीनस एको बारी तुहाडे को सारा कुछ करवा लिया जाएगा फॉर्म फिल करवा लिया जाएगा। एडिशनल ते क्लिक किया एडिशनल तक क्लिक करन तो बाद साढ़े को इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शनस ने जिहड़ियां पढ़नियां सब तो ज़्यादा जरूरी ने एडिशनल सब्जेक्ट फॉर BA है ना होर कोई नहीं लिखा BA ही लिखा है एडिशनल प्राइवेट ऑल सेमेस्टर दिसंबर एंड मई दो सेमेस्टर विच पेपर होने हैं। बेशक तुसी सालाना विच कीती है एनुअल सिस्टम च पास कीती है इत्थे सेमेस्टर वाइज ही पेपर होने ने उस दियां मेन जानकारी जिहड़ी है समझ लैनी चाहीदी है। कृपा करके अर्जी फॉर्म भरन तो पहला निर्देशों को ध्यान में पढ़ो ये जो पढ़न जा रहे हैं आप प्रीख्या फॉर्म पात्रता चैक करन उपरंत ही अपनी पात्रता मीन एलीजिबिलिटी तुहाडी चैक कर लो उस दी एलीजिबिलिटी यही है कि तुसी ग्रेजुएशन पास कीती होवे पंजाब दी यूनिवर्सिटी तो होवे बेशक प्राइवेट यूनिवर्सिटी होवे लेकिन वो कोई भी तुसी एडिशनल पेपर देना है इसका नॉर्मल नुक्ता फंडा की है कि उसकी प्रीख्या विच तुहाडे रीअपीयर ना होवे कंपार्टमेंट ना होवे तुहाडा पास होना चाहिए है जे पास है तो तुसी उस लई एलीजिबल हो। दूसरा उस यूनिवर्सिटी दी लिमिटेशन हो सकती है कि ये साढ़े लिए एलीजिबल है ये नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पंजाबी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विच सिर्फ लैंग्वेजेस का एडिशनल पेपर लिया जाता है सोशल साइंस वगैरह का नहीं लिया जाता। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अदर यूनिवर्सिटी तो नहीं कर सकते गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के ही ग्रैजुएट स्टूडेंट्स एलीजिबल ने पर इलैक्टिव पंजाबी का तुसी दूजी यूनिवर्सिटी का दे सकते हैं। सो इन कंपलैक्सिटी को समझना पैंदा है ये पात्रता चैक कर लैणी प्रीख्या के संबंधी सिलेबस पढ़ लेना है पहला तो अध्यादेश ऑर्डिनेंस स्टैचूट्स मैं खुद नहीं पता मैं इसका मतलब देख के दस दाँगा तुहानू सूचनावां ते हदायतां चंगी तरह पढ़ो ते अपने कोल रखो वह हदायतां ते कित्थे ने कित्थे मिलने ने इत्थे लिंक नहीं दिता ये थोड़ी जी प्रॉब्लम है पहला है इसनू वड्डा कर लेना चाहिए है मेरे ख्याल विच इस तरह करके पढ़ते हाँ हाँ इधर इधर नाल नाल करी जावांगे तुहानू क्योंकि विजुअल विजिबिलिटी भी चाहिए है। बी एडिशनल की प्रीख्या किहड़े-किहड़े सेंटर विच होएगी इस तो इलावा नहीं होएगी बठिंडा फरीदकोट मोहाली पटियाला रोपड़ संगरूर दे एग्जामीनेशन सेंटर विच ही दिती जा सकती है। इट मीन साडे बरनाले विच ये नहीं होएगी। अच्छा बी ए एडिशनल की प्रीख्या ले बाकी शर्तों की पूर्ति करन वाले पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ते पंजाब राज दियां यूनिवर्सिटियां दे ग्रेजुएट्स ही ये प्रीख्या दे सकते हैं। इत्थे ये एलीजिबिलिटी जिहड़ी मैं हुणी गल दस के आया हाँ कि तुसी पंजाब विच्चों अपनी ग्रेजुएशन की होनी चाहिए है बेशक वह पंजाब यूनिवर्सिटी भी उच्च शामिल है दूसरा वो पंजाब की कोई होर यूनिवर्सिटी बेशक वह संत बाबा पाक सिंह यूनिवर्सिटी है लवली प्रोफेसनल यूनिवर्सिटी है ना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है किसी तो भी ग्रेजुएशन की है। बी ए एडिशनल की प्रीख्या लिए बाकी शर्त यह हो गया है विषय लई केवल इको फार्म ते फीस प्रति सेमेस्टर देनी होएगी लास्ट इत्थे जाके देख लीए कि की कहिंदे हन हाँ एडिशनल इधर चले हाँ एडिशनल विषय लई केवल इको फार्म लगेगा अते फीस प्रति सेमेस्टर देनी होएगी प्रैक्टिकल विषय विच एडिशनल प्रीख्या नहीं दित्ती जा सकती दो विषयां दी प्रीख्या भी सेमेस्टर सिस्टम अधीन दित्ती जा सकती है
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਸੌਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ ਕਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਨੇਚਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਕਰਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਹੋਏਗੀ। ਦੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਦਿਨ ਹੀ ਨੋਰਮਲੀ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟਿਵ ਹਿੰਦੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਪੰਜਾਬੀ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟਿਵ ਹਿੰਦੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਲੈਕਟਿਵ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਟਕਰਾਵੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਲੈਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਐਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਐਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਐਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਅਤੇ ਫੇਲ ਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੀਪੇਅਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੈੱਲ ਹੈ ਬਾਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰ ਸਟੈਂਡ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾ ਇਹ ਫੋਰਮ ਅਸੀਂ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਲਾ ਬਲਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਲਾ ਬਲਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਕੈਫੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਕਰੀ ਜੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚੋਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਨੂਅਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਏਗਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਲੰਤ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2014-15 ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਅਧੂਰਾ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਬਣਦੀ ਫੀਸ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਫੀਸ ਘੱਟ ਭਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੇਠਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੇਤ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੁੱਟੀ ਫੀਸ ਵੱਖਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨੋਰਮਲੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 15 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਤਰੁੱਟੀ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇ
नहीं कर सकता। और मैं गल दे आया हाँ कि दो ग्रुप जिवें लैंग्वेज लैंग्वेज इस तरह तुसी हिस्ट्री ते पॉलिटिकल साइंस या इस तरह लेकिन नहीं ये मिल जाते हैं ग्रुप तुहानू उहदे विच चैक करने पैने हैं कि मैं दो दे सकदा हाँ। बी ए एडिशनल का नतीजा फेल या पास घोषित किया जाता है तो वक्खरा सर्टिफिकेट ही जारी किया जाता है। इस दे अंक बी ए एडिशनल दे नियम अनुसार बी ए सेमिस्टर विच नहीं जोड़े जाते। एक गल समझ लो जे तुसी ये एडिशनल पेपर इसलिए दे रहे हैं कि मेरे नंबर इंप्रूव हो जाएंगे तो इंप्रूवमेंट का वक्खरा पेपर होता है, इस नाल तुसी सिर्फ क्वालीफाई करते हो, उसका वक्खरा सर्टिफिकेट है, जॉब समय तुसी वो वक्खरा सर्टिफिकेट जमा देंदे हो, उसे नंबर नहीं ऐड होंगे। बी ए दे नंबर बनाने लई इंप्रूवमेंट की प्रीख्या वक्खरे तौर ते दित्ती जांदी है जी। बी ए एडिशनल दे विद्यार्थी अपने ग्रैजुएशन दे सर्टिफिकेटां दी फोटो कापियां है ना जेडे इस यूनिवर्सिटी तो ने अपने सर्टिफिकेट दी सारियां कापियां ते पंजाब राज दे होर यूनिवर्सिटियां दे विद्यार्थी अपने असल ग्रैजुएशन दे सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट माइग्रेशन जेडे इनक्वायरी सैल है जेड़ा सूचना केंद्र फार्म है जेड़ा बिल्कुल यूनिवर्सिटी दे गेट ते सज्जे हथ है फॉर्म दी हार्ड कॉपी नाल नत्थी करके जमा करवाउणगे। पात्रता ना बनन दी सूरत विच फॉर्म बिल्कुल वो पात्रता पहलां देखी जानी है रद्द कर दिता जाएगा। नोट विद्यार्थी फॉर्म दी हार्ड कॉपी ते सर्टिफिकेट पंजाब यूनिवर्सिटी दे पते ते जे तुसी खुद जा नहीं जाना जा आना चाहिए है उस उसे वेले चैक होकर वेरीफाई हो जाता है। जेकर तुसी भेजना चाहते हो ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार प्रीख्या शाखा पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला पिन कोड 147002 ते स्पीड पोस्ट या रजिस्टर रजिस्ट्री भी करवा सकते हो। सो मेरे ख्याल से खुद जाना चाहिए है बैटर है उस वक्त वेरीफिकेशन हो जाती है पर कई इलाके दूर भी ने जिमें जैतों वगैरह है ना। सो वधेरे जानकारी नंबर दिता है 9463681382 इतने संपर्क कर सकते हाँ। फोन नंबर नोट करन तो बाद इत्थे रस्ते च फसना नहीं है हरे कलर ते क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एडिशनल सब्जेक्ट लई फॉर बी ए एडिशनल प्रोवाइड ऑल सेमेस्टर इस नू क्लिक करांगे। सो ये फॉर्म फिल करना है ये फॉर्म खुल जाएगा इत्थे जो स्टार इत्थे की लिखा है उसनू पढ़ लेना चाहिए है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है फॉर प्राइवेट एडिशनल सब्जेक्ट सैशन December 2023 कॉलेज विभाग डिपार्टमेंट एडिशनल सब्जेक्ट ए प्राइवेट है कोर्स केड़ा है बी एड एडिशनल ऑल सेमेस्टर ऑलरेडी क्लिक्ड है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन सोच समझ के भरना है उ ही तुहाडे यूनिवर्सिटी फॉरन स्टूडेंट जी जाती है हूँ तो यूनिवर्सिटी इशू करन लग पई है क्योंकि फॉरन स्टूडेंट जो जाते हैं उन्होंने जरूरत पैंदी है कि यूनिवर्सिटी इशू करे मीडियम ऑफ एग्जामीनेशन की सी। सो प्रैफर करना है इंग्लिश पेपर भी हाँ जे तुहाडा लैंग्वेज का पंजाबी ते हिंदी पढ़ रहे हैं तो फिर उही आएगा फिर ये नहीं आएगा। आर यू करंटली रजिस्टर्ड इन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला यस पर दिता कि ऑलरेडी मैं इतने रजिस्टर्ड हाँ जे नो है तो नो कर देना। रजिस्ट्रेशन नंबर जेडे कैंडीडेट जे ऑलरेडी इतने रजिस्टर्ड ने ओके फिर तुसी इस तो बाद रजिस्ट्रेशन नंबर पूरा फिल करन तो बाद तुहाडे DMC ते उत्ते लैफ्ट राइट साइड ते लिखा होएगा प्रीख्या दा विकल्प एक तीन ऑप्शन देनिया ने ऑप्शन सानू असीं पहले डिस्कस करके आए हाँ सिर्फ ए वालियां बठिंडा फरीदकोट मोहाली पटियाला रोपड़ संगरूर यही ऑप्शन ने। सो असीं पटियाला फिल कर रहे हैं दूसरी ऑप्शन जे तुसीं चाहुंदे हो वह भी पटियाला फिल कर दित्ती है तीसरी ऑप्शन भी पटियाला फिल करनी है। जेकर तुसी चाहुंदे हो कि दूसरी इत्थे पटियाला रह सकते हो दूसरा तुहाडा घर है मन लो संगरूर फिल कर सकते हो लेकिन जे सेम भी डिस्ट्रिक्ट करनी है तुसी प्रैफर कर सकते हो हाले तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इत्थे मैं पटियाला संगरूर अलग अलग फिल कर रहा हाँ लेकिन सिर्फ समझाने लई ये कर दिता है मोहाली ओके प्रैफर एक कर सकते हैं कि पटियाला 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 वैसे मैं इस तरह कर रहा हाँ। अगे चलते हाँ क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ऑलरेडी फिट है तुसी कुछ नहीं करना रिजल्ट की है पास फेल रीपेयर रिजल्ट अवेटड पास नू ही रीप एडिशनल पेपर दे दिता जाएगा। तुसी बोर्ड केड़े तो पढ़े हुए हो पंजाब स्कूल CBSE पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो PTU तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो अदर तो इतने है कि ग्रैजुएशन हुण केड़े तो तुसी पास की हुई है क्योंकि ग्रैजुएशन का एडमिशन ग्रैजुएशन की इनफॉर्मेशन भेजनी है। पासिंग ईयर तुहाडा केड़ा है तुसी अपना पासिंग ईयर फिल कर दिता 2016 रोल नंबर अपना इस तरह करके फिल कर देना है
रोल नंबर फिल हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है, इस तरह करके रजिस्ट्रेशन नंबर फिल हो गया, ऑब्टेन्ड मार्क्स अपने फिल कर देने ने क्लिक करके कि मार्क्स साढ़े ने टोटल साढ़े मार्क्स ने 555 हो गए, टोटल मार्क्स किन्निया चो ने मान लो चलो ज़्यादा 2400 चो लगा लाने ये लगा ले 2400 चो साढ़े मान लो 1400 मार्क्स ने किन्ने सौ चो ये पर दिता मैं 2400 जिन्हें भी थोड़े तो है मार्क्स टोटल 24000 चो नहीं होए ये हो गया 2400 चो परसेंटेज किन्नी बनती है वह फिल कर देनी है मान लो थोड़ी कैलकुलेट कर लेनी है। इतने मैं सिर्फ दसन लिए कर रहा हाँ 60% बनती है 58% वो तुसी फिल कर देना है। एग्जाम सेशन मंथ ईयर आर यू अपेयरिंग फॉर टू सब्जेक्ट इन बी ए एडिशनल, बी ए एडिशनल के दो सब्जेक्ट हो सकते हैं, वो एक ग्रुप चो नहीं लैने पहला गल हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं इंग्लिश पढ़ रहा हाँ दूसरा हिस्टरी पढ़ रहा हाँ फिर इतने तुसी यस पढ़ देना कि मैं दो सब्जेक्ट लै रहा हाँ क्योंकि मैं नहीं पढ़ रहा एक ही लै रहा हाँ इतने मैं नो ही फिल कर दिता है नो। कि तुहानूं अगे अयोग ठहराया गया है वेरवा लागू कुछ नहीं, कि तुसी लोअर प्रीख्या के मूल मूल्यांकन की अर्जी दिती है वेरवे लागू नहीं कुछ नहीं सब्जेक्ट डिटेल इफ एप्लीकेबल सो इतने नो ही आ रहा है। नैक्सट है बिनीकार का नाम इंग्लिश विच ना नाम पूरा फिल करोगे है ना, इतने मैं सिर्फ इस तरह फिल कर रहा हाँ और पापा का नाम फिल करोगे इतने मैं कर रहा हाँ सिर्फ इस तरह मम्मा का नाम फिल करोगे सोना करके मम्मी का नाम भी लिख दो चलो है ना हो गया। हुण इत्थे प्रॉब्लम है कि जिहड़ा तुसी नाम है पंजाबी विच भी फिल करना है उहदे लई उन्होंने इंग्लिश टू पंजाबी गूगल ट्रांसलेशन दित्ती हुई है सो गूगल ट्रांसलेशन नूं क्लिक करांगे उसने इस दा जिहड़ा है चेंज कर देना है टी आई आर ए टी एच कौर के ए यू आर ओके तीरथ कौर आ गया सेव हो गया। तीरथ कौर नूं कॉपी कीता पंजाबी विच जिथे अपना नाम भरना सी उत्थे जाके पेस्ट कर दिता सो तीरथ इत्थे आ गया। सो इत्थे तुसी गूगल ट्रांसलेशन च जाना है गूगल ट्रांसलेशन वे इत्थे जो तुहाडा सही नाम है फॉर एग्जाम्पल पल विंदर एस आई एन जी एच है ना बलविंदर सिंह आया इन्हों तुसी कॉपी करना जिस भी सिस्टम से तुसी हो उतो कॉपी किया और अपने जिथे तुसी इन्हों पेस्ट करना है इत्थे पेस्ट कर देना ठीक है। सिंह रह गए ने सिंह ले भी दोबारा जाओ इत्थे इन्हों कॉपी करो और कॉपी करके अपने वापस आओ तो इत्थे फिर क्लिक करो और पेस्ट कर दो। सो बलविंदर सिंह स्पेस देनी है इत्थे जाके स्पेस दे दो बलविंदर सिंह पूरा लिखा गया। इस तरह मदर नेम जिहड़ा है वो तुसी इत्थे पहला पंजाबी च नहीं फिल करना पहला गूगल ट्रांसलेशन च जाना है इत्थे अपने मम्मा का नाम लिखना है इत्थे ट्रांसलेशन होके आ जाना है इत्थे क्लिक जिवें मैं पिछे करके आया हाँ उस तरह इत्थों फिर कॉपी करके फिर दोबारा इत्थे तुसी पेस्ट कर देना है। हाँ जो तुसी मम्मा पापा का नाम लिखना है उस दे अगे श्रीमान श्रीमती मिस्टर मिसिज ये नहीं लिखने कंप्यूटर नूं ये रिस्पैक्ट वाले शब्द पसंद नहीं हैं नाले शब्दों में रिस्पैक्ट नहीं होंगी। जेंडर फीमेल बेस्ट जेंडर जन्म मिति पर देनी है 8 सितंबर 1995 ओके। कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है जनरल कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है कि तुसी हेठां दित्ती वाधू श्रेणी अधीन विचार जांदे हो वाधू श्रेणी है ना हाँ जी मैं अपने मम्मी पापा दी कल्ली कुड़ी हाँ सो मैं सिंगल गर्ल चाइल्ड है ना किन्ने प्यारे बच्चे होंगे जिहड़े सिंगल गर्ल चाइल्ड होंगे उन्होंने ज़्यादा गुगलू मुगलू मिलता होगा अख्या अच्छा। इस तो इलावा होर स्पैशल कैटेगरी रखी गई हैं ब्लाइंड कैटेगरी है कैंसर एड्स थैलेसीमिया कैटेगरी जी जड़ा है एच बी बहुत बच्चों का बन ब्लड नहीं बनता जिसनों असं कह दें है ना एच बी बहुत घट जाता है बेहतरीन खिलाड़ी ऑल इंडिया कैटेगरी दे तुसी हो है ना जेकर इस किसी च नहीं अच्छा फिजिकली हैंडीकैप हो नो फिल कर दिता है
अगर यस है तो कैटेगरी मोर दैन 45% मिलती है, लैस दैन 40% जी नहीं मिलती, इतने नो फिल कर दिता है। अपना हाउस नंबर जोड़ा है वह फिल करना है, फॉर एग्जाम्पल हाउस नंबर 1, 2, 3 GTB नगर मैं भर दिता है। अच्छा, इस तो इलावा तुसी जिला यूनिवर्सिटी के अधिकार खेत्र अधीन अंडर यूनिवर्सिटी की जरिस्ट्रिक्शन जिला केड़ा हुंदा है ना, वो तुसी भर सकते हो। इत्थे आपां पटियाला ही भर दिंदे हाँ, पटियाला भर दिता है। इत्थे जिहड़ा है राज केड़ा पंजाब है, पिन कोड इस तरह भरना पैना है 844। कोई भी जरूरी यह नहीं, ठीक है तुसी अपना जो सही इन्फॉर्मेशन है वो देनी है। परमानेंट एड्रैस कहिंदा टिक करो, जेकर स्थाई पता तो पत्र व्यवहार का पता इको जिहा है जिथे तुसी रहिंदे हो पक्का रहिंदे हो और उत्थे ही तुहाडा चिट्ठी पत्र जे आना हाँ आवे, अदरवाइज तो चिट्ठियां पाउणियां भुल गए जदों दा टैलीफोन लग्गिया ईमेल लगी है उदों दीआं चिट्ठियां कित्थे आउंदियां। ओके, ज़िला केड़ा है इत्थे लिख पटियाला मान लो भर दिता। ओके, पिन कोड हो गया। कैंडीडेट का मोबाइल नंबर की है, फॉर एग्जाम्पल आपां कैंडीडेट का मोबाइल नंबर भर दिता। ओके, ज़्यादा भरिया गया कोई गल नहीं। ईमेल एड्रैस अपना फिल कर देना है, ईमेल एड्रैस अपने वाला ही। अच्छा, एक मोबाइल होर मंगते हैं मम्मी पापा या दोस्त मित्र जिहदा भी तुसी दे सकते हो, मम्मी पापा का जिहड़े स्टेबल रिश्ते है ना उन्होंने दे देना चाहिए है। किसी वेले प्रेमी प्रेमिका वाले रिश्ते पता नहीं लगता, गई तड़क करके लाई बेकदरा नाले यारी, किसी वेले इदा हो जाता है ना, सानू पता नहीं हुंदा ये प्रेम प्रेम है कि प्रेम नहीं है। लॉस से मौत वेले पता लगना है कि प्रेम की हुंदा है, जां उस वेले पता लगना है जो बॉडी नू मौत एक होर मौत हुंदी है, तुसी बैठे बैठे किसी होर कोल हुंदे हो। अच्छा, आई डी होर जे देनी है, मम्मी पापा की आई डी एक होर दे सकते हो। आधार नंबर अपना फिल कर देना है, मेरे ख्याल से इस विच कुछ दसने वाली गल नहीं है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इफ एप्लीकल जे, क्योंकि उत्ते जनरल कैटेगरी है इतने इसलिए नो आएगा, जेकर तुसी एलीजिबल शड्यूल्ड कास्ट हो तो फिर इतने यस करोगे, इतने आप क्योंकि वो सी नो फिल कर दिता है। एरिया खेत्र चुनना है तुसी अपना, रूरल अर्बन सैमी रूरल, प्योर पटियाले के पिंड च रहने असी रूरल हो गया। धर्म चुनना है चुन लो कोई गल नहीं, धर्म नालों स्पिरिचुअलिटी चुन लो बैटर है। जिन्नी वायलेंस हिंदुस्तान च धर्म के नाम से हो रही है, असी इंडिया टॉप कर रहा है वर्ल्ड दे विच्चों, पिछले 9 साल दे विच्चे वायलेंस टॉप ते जा रही है। इत्थे कर रहे हाँ आपां, चलो सिख कर दिता है। नैक्सट है NADID, नैशनल अकैडमिक डिपोजिटरी आई डी UGC के अंडर 12 digits की इतने असी आई डी फिल करनी है, लेकिन की होंगी है जो ऑलरेडी थोड़े को है तो फिल कर देनी है, नहीं है तो बेसिक जानकारी इतने लभ लें हाँ। लेकिन इस दे बारे जे तुसी बनानी है तो आधार कार्ड, तुहाडा फोन नंबर, ये सारा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए है। इतने असी देख रहे हाँ कि मैं इतने किया फ्रीकुएंटली आस क्वेश्चन पर क्लिक किया, साढ़े बेसिक क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। नैशनल अकैडमिक डिपोजिटरी NAD UGC ग्रांट कमीशन, पहला है कि है की है ये, इत्थे क्लिक किया कि नैशनल अकैडमिक डिपोजिटरी 24/7 हर टाइम ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑफ ऑल अकैडमिक अवार्ड्स सर्टिफिकेट्स डिप्लोमा डिग्री मार्कशीट थोड़िया उत्थे डिजिटल रूप में पईयां होईयां हन, डिजिटल ड्यूली डिजिटाइज्ड एंड लॉज्ड बाय अकैडमिक इंस्टीट्यूट स्कैन या डिजिटल फॉर्म विच बोर्ड एलिजिबिलिटी असैसमेंट बॉडीज़ जिहड़ियां यूनिवर्सिटीज़ है उसनों सीधा असैस कर सकदियां हैं। NAD नॉट ओनली अश्योर ईजी असैस टू एंड रिट्राइवल वापस अकैडमिक रिकॉर्ड लैने अकैडमिक रिवार्ड बट आलसो वैलीडेट द गरंटी इट्स ऑथेंटिसिटी एंड सेव स्टोर। सो NAD एक स्टोर हाउस है जिथे तुसी अपने डॉक्यूमेंट सारे सर्टिफिकेट अवार्ड हुए है उत्थे सेफ रख सकते हो, जो चाहो तुसी ले सकते हो, जो चाहो यूनिवर्सिटी ले सकती है। हु आर स्टेक होल्डर्स, स्टूडेंट्स एंड अकैडमिक अथॉरिटीज यूनिवर्सिटीज, मैं रजिस्टर किस तरह हो सकता हाँ, www.nad.gov.in टू सिलेक्ट एंड NAD डिजिटल लॉकर फॉर अवेलेबल NAD, इतने तुसी जाना है। अच्छा, वाई शुड आई रजिस्टर ऑन NAD, क्योंकि ऑनलाइन सर्विस है, सेफ्टी है, स्टोर हाउस है, फ्री च है, होर की चाहिए। हाउ डू आई गैट रजिस्टर माई सैल्फ इन NAD, यू कैन विजिट www.nad.gov.in जा NAD.digitallocker.gov.in
ते दैन क्लिक स्टूडेंट ऑन मीनू बार दैन पेज गैट रीडायरेक्टेड टू द स्टूडेंट पेज एंड दैन रजिस्टर्ड दैमसैल्व बाय यूजिंग यूर आधार कार्ड एंड मोबाइल नंबर। अच्छा जेकर मोबाइल नंबर तो वह दोनों आधार कार्ड नहीं है तो फिर तुम रजिस्टर हो सकते हो। यस वो कहें एन आई डी तो हो सकते हैं। नाउ माई एन आई डी अकाउंट इज़ क्रिएटेड हाउ कैन आई गैट असैस असैस किस तरह कर सकते हो। सो थोड़ी आई डी जी बन जाती है वो तुम इतने फिल करनी है। वापस चलते हाँ इतने आ गए हाँ ठीक है। वो फिल करन तो बाद तुहाडी फोटोग्राफ है इत्थे फोटो का साइज पहले तो ठीक करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल फोटो JPG JPEG GIF PNG फाइलों की इजाजत है सिर्फ उ एड हो सकती है JPG च कर लो। फोटो दस्तखत सिग्नेचर का आकार 20 KB तो घट होना चाहिए है। ओनली JPG फाइल आर अलाउड एंड साइज ऑफ सिग्नेचर। अच्छा इंग्लिश लिखा हुआ है। हूँ इतने मैं फाइल चूज किया फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये वाली फोटो है ना मैं इसनों क्लिक किया तो यदा साइज ज़्यादा सी जे तक साइज ठीक होया इतने इमेज आ जाएगी। नहीं साइज तो तुम्हें की करना है रीसाइज करन लई तुसी रीसाइजर इमेज गूगल ते फिल करो और ऑनलाइन इमेज नू रीसाइज करन लई इत्थे खुल जाएगा पेज और सिलेक्ट इमेज कर लेनी है। अपनी जो इमेज है उसनू साइज विच लैके आने लई कर रहे हाँ। फॉर एग्जाम्पल ये वड्डी है फोटो इसनू मैं क्लिक किया ओपन ते क्लिक किया इमेज इत्थे आ गई। इसनू मैं रीसाइज करना है किन्ना करना है फॉर एग्जाम्पल मैं इसनों परसेंटेज की जगह पर मैं पिक्सल कर लिया किन्ने पिक्सल चाहिए है ना। जे परसेंटेज भी करनी है पिक्सल किन्ने ज़्यादा ने मैं पिक्सल बहुत ज़्यादा घटा लाँगा इसनों फॉर एग्जाम्पल 100 कर रहे हैं छोटी जी इमेज बन जाएगी 200 ते करके देख लो 100 कर लिया 133 हाइट होगी पिक्सल इन्ने हो गए और मैं इसनों कहा कि मेरी इन्नी रीसाइज इमेज कर दो। मैं चेक करके देख लगा किन्नी बनी है उन्होंने 20 KB कही सी 4.05 KB बन गई है काफ़ी छोटी इमेज हो गई है। इनू मैं डाउनलोड कर लिया है डाउनलोड जिथे करते हो तुम डाउनलोड करन तो बाद इतने डाउनलोड आ गया क्लिक करके डाउनलोड चले गए हैं जिथे फोटो पई है हुण उत्थों तुसी उठा के ये मैं चूज़ की है ना तो जिथे फोटो आई है मान लो ये फोटो आ गई है मेरी ये छोटी होके आ गई है ये वाली ठीक है। इनू मैं क्लिक किया क्लिक करन तो बाद ओपन किया तो ये मेरी फोटो इत्थे आ गई है क्योंकि ऑलरेडी मैं छोटी की है इसलिए पहला आ गई सी। इस तरह सिग्नेचर जिस तरह फोटो नू कीता है उस तरह सिग्नेचर जे सिग्नेचर वड्डे हैं 20 KB तो फिर उस फाइल से जाने हैं जाके अपने सिग्नेचर करने हैं फोटो क्लिक करनी है उस फोटो क्लिक नू रीसाइजर विच ले जाना है रीसाइजर विच ले जाके उसनों साइज छोटा कर लेना है। जिवें मैं इत्थे छोटा साइज किया है फिर ये करके मैं इसनों क्लिक किया ओपन ते क्लिक किया और मेरे साइन जिहड़े सी ओह इत्थे इमेज होके आ गए अपलोड हो गए। अच्छा ये बयान ने इत्थे तुसी क्लिक करना है फिर अगे जा सकते हो। बयान की ने कि मैं सिलेबस ऑर्डिनेंस स्टैटूचस इस फॉर्म विच दसियां सूचनावां जिहड़ी उत्ते सब शुरू च गल करके आया सी वो सब कुछ पढ़ लिया भली भांती जानदा हाँ मेरी पात्रता बनती है मैं एलीजिबल हाँ क्योंकि एलीजिबिलिटी जे नहीं बनती क्योंकि इस तो बाद तुसी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे जिहड़े है इनक्वायरी सैल है बिल्कुल सूचना दफ्तर है सज्जे पासे साइकिल स्टैंड ते उत्थे जांदे हो। अपने जेकर दूजिया यूनिवर्सिटियां तो पढ़े हुए हो पंजाब दियां तो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो नहीं पढ़े हुए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो माइग्रेशन ओरिजिनल ना लैके जाओगे। माइग्रेशन नहीं है तो चले जाओ बाद विच तुहानू थोड़ा फाइन पेगा बाद विच जमा करा देना रिजल्ट तो रोल नंबर तो पहला पहला लेना पैंदा है। तो जेकर तुसी इसे यूनिवर्सिटी के हो अपनियां फोटोस्टेट कॉपियां भी लैके जानियां हन दूसरियां ने भी फोटोस्टेट कॉपियां लैके जानियां हन। सो जे उत्थे पात्रता चैक करदे हैं चैक करदे हुए तुसी नहीं एलीजिबल हुंदे तो तुहाडी फीस या कुछ भी वापस नहीं किया जाएगा फॉर्म उत्थे रद्द हो जाएगा। सो इसलिए वो कहिंदे ने पहला अपनी पात्रता चैक कर लो बाय पोस्ट भी तुम भेज सकते हो लेकिन उस रिस्क है हाँ मैं इस दे बराबर कोई होर प्रीख्या नहीं देता। मैं जानता हाँ कि जेकर मेरा नतीजा यूनिवर्सिटी के मुख्य नतीजा गजट विच RL वगैरह आता है घोषित होता है जिदा रजिस्ट्रेशन लोअर FEEA आता है तो बाद विच मेरे वालों प्रीख्या फीस जुर्माना फीस आदि मिलान फीस वगैरह योग्यता दे नाल संबंधित दस्तावेज पेश करन उपर यूनिवर्सिटी वालों जो योग नतीजा घोषित किया जाएगा तो उस आधार पर मैं रीचैकिंग रीइवैल्यूएशन के हकदार नहीं होवांगा
ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੱਥ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵਾਂਗਾ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਂਝਾ ਡੀ ਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਨਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਕਰੀ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਪਾਤਰਤਾ ਨਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵ ਨਿਊ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ, ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ, BA ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਸੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।